हाय गाइस, आज आपके साथ पहला वीडियो पर्यावरण का पहला परमाणु अटैक। इतना जबरदस्त वीडियो, हर वर्ड हर सेंटेंस एक नया क्वेश्चन। कितनी बार पूछा जा गया है, कितनी बार पूछा जाएगा, कोई बोल नहीं सकता। इसलिए गौर से देखिएगा, सारी चीजों को दिमाग में बिल्कुल फीड करते जाइए, रैम रोम दोनों में फीड करते जाइए। हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है। यूपीएससी से लेके एसएससी, टेट, सीटेट तक इनसे क्वेश्चन। टेट में तो बिल्कुल माशाल्लाह, टेट का क्या कहना, उसमें तो सारे कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें से जरूर आएगा। चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन पे। कौटिल्य बलरामपुर, इसको याद रखिएगा। इधर आपके क्वेश्चन है, उसको हम अभी बाद में बात करते हैं। पहला, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में इतनी प्रदूषण हो गया, औद्योगिकरण जब हुआ, औद्योगिकरण का निर्माण इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड ने इतना ज्यादा प्रदूषण पूरे दुनिया में जन्म दे दिया। इंग्लैंड को देखते हुए सारे देशों ने जो है फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। बात है 1985 में पहले देखा गया ओजोन में छेद हो रहा, उसमें बाद में बात करेंगे। ओजोन छिद्र का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे। पहला जो कदम उठाया गया कि पर्यावरण को एक कानून के रूप दिया जाए बचाने के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले 1972 में एक सम्मेलन हुआ, एक कन्वेंशन हुआ, बहुत सारे देश के लोगों ने इकट्ठा किया, अपने अपने मंत्री को, मंत्री लोगों को, अपने अपने जो है कोऑर्डिनेटर्स को इकट्ठा किया, और एक सम्मेलन हुआ जिसे कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। बिल्कुल दिमाग में कूट कूट के भरिए, बिल्कुल कभी नहीं भूलना है, ठीक। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलते हैं, कोई अपना नहीं भूलता है, कोई किसी का नहीं भूलता है, समझदार है। तो 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ, स्टॉकहोम क्या है, स्टॉकहोम एक देश की एक राजधानी है, कौन सी देश की, स्वीडन, स्वीडन देश की राजधानी, ये यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर एक सम्मेलन होता है, सबसे पहला सम्मेलन होता है पूरी दुनिया में, पर्यावरण को बचाने के लिए पहला कदम उठाया जा रहा है। और इसमें पर्यावरण को बचाने का क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण को बचाने के लिए पहला कदम उठाया गया, जो रूल्स बनाए गए वो 1972 के अकॉर्डिंग स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन की राजधानी में किया गया। उसके 20 साल बाद बहुत बड़ी घटना होती है, यानी एक सम्मेलन हो गया, इसके बाद सब लोग शांत हो गए, तो कान तेल में पड़ा लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा, वही काम करते रहे। जैसे हम अभी कितना भी पढ़ाएं आपको, जो हमारे बीएलपी वाले स्पेशल, जो एसएससी वाले बच्चे हैं, जो बीए वाले बच्चे हैं, इधर सुनेंगे उधर निकाल देंगे, करना अपनी मर्जी का है, वो कभी नहीं एक्टिव होते हैं, ठीक। उसी तरह से लोग एक्टिव नहीं हुए, 20 साल लग गया। 20 साल बाद समय आता है 1992 का। 1992 में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, तो याद रखिएगा मुझे भी। 1992 में आपके और भी किसी का भी बर्थडे वगैरह हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना गया, इसे रियो प्लस 20 के नाम से जाना गया। रियो कहा गया, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील की राजधानी हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में शायद ब्राजील की राजधानी ब्राजीलियन है, और रियो डी जेनेरियो पहले हुआ करता था। तो वहां पर एक सम्मेलन हुआ 1992 में हुआ, इसमें पूरी पृथ्वी को तरह तरह के प्रदूषण, तरह तरह के जो है ऐसे कंडीशन से बचाना था जो पृथ्वी पर जितने जैविक क्रियाएं हैं उन्हें बाधा डाल रहे थे। तो इसलिए इसमें बहुत सारी कंडीशन है, जब एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि इसमें 25 घोषणीय सूत्र, सूत्र का 25 घोषणीय पत्र, मतलब क्या कहते हैं घोषणा पत्र, 25 ऐसे कंडीशन डेवलप किए गए थे इसमें। इसमें एक कंडीशन और लाया गया था जो अभी हम क्लू देंगे आपको, आपको क्वेश्चन करना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट था, जो इसके अकॉर्डिंग वर्णन किया गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 1972 में कदम उठाया गया, 20 साल बाद 1992 में अर्थ समिट आता है, और अर्थ समिट में जो भी कदम उठाया गया वो तो एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग अपना वर्णन किया गया। 1994 में दो साल बीत कर 1994 में एक टाइम आता है कि एक कमेटी बनती है, इसे यूएनएफसीसी कहा जाता है, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट
चेंज। एनएफसीसी जब बना, इस कमेटी ने 1995 में, एक साल बाद 1995 में कॉफ फर्स्ट बनाया। कॉफ फर्स्ट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सारे देश के लोग, लगभग 197 से ज्यादा कंट्रीज थे मेरे ख्याल से, उन लोगों ने इकट्ठा हुआ बर्लिन में, सब लोग इकट्ठा हुए और एक पार्टीज हुई, उसमें कुछ नियम बनाए गए कि, और ये रखा गया हर साल ये पार्टी इकट्ठा होगी, इतने देश के लोग इकट्ठा होंगे, उसको कॉप के नाम से जाना गया, COP, कॉप फर्स्ट, कॉप सेकेंड, कॉप थर्ड, जो है 25 कॉप हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा कि अभी जो लेटेस्ट कॉप हुआ है, COP 25, वो कहाँ हुआ है और उसका थीम क्या था। कॉप फर्स्ट बर्लिन में हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बर्लिन में होती है, बर्लिन मतलब जर्मनी, और उसके एक साल बाद सेकेंड कॉप जो होता है 96 में, वो भी बर्लिन में होती है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कहाँ पूछा गया, 1997 में, 1997 में जो कॉप थर्ड हुआ वो जापान के क्यूटो शहर में हुआ, जापान के क्यूटो शहर में कॉप थर्ड हुआ, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, एक बाध्यकारी नियम था, इसलिए इसे कहा गया क्यूटो प्रोटोकॉल। क्यूटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। क्यूटो प्रोटोकॉल किस कॉप को कहा गया, कॉप थर्ड को कहा गया। क्यूटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, जापान के क्यूटो शहर में हुआ। क्यूटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए, और एक्चुअली है क्या ये क्यूटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक बाध्यकारी नियम है। 1985 में ओजोन छिद्र हुआ, 16 सितंबर 1987 को एक नियम बनाया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन लेयर को बचाने की बात की गई, वो लागू हुआ 16 सितंबर 1989 को, और इसे 16 सितंबर को लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। वो बाध्यकारी नियम नहीं था, उसमें CFC है, उसमें CS4 है, उसमें CO2 है, उसमें N2O है, ऐसे गैस जो ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, उन गैसों को कम करने के लिए, उनको अर्थ को टेम्परेचर से कम करने के लिए कुछ जो है सुझाव दिया गया, कोई बाध्यकारी नियम नहीं था। इसी को बाध्यकारी कब किया गया, बाध्यकारी किया गया क्यूटो प्रोटोकॉल में। क्यूटो प्रोटोकॉल कब हुआ, 1997 में। क्यूटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, क्यूटो में हुआ। क्यूटो कहाँ है, जापान में, जापान से शहर है क्यूटो, वहां पर हुआ। किस कॉप को कहा गया, कॉप थर्ड को क्यूटो प्रोटोकॉल कहा गया। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप फर्स्ट, कॉप सेकेंड, कॉप थर्ड। कॉप फर्स्ट हुआ 1995 में, कॉप सेकेंड हुआ 96 में, कॉप थर्ड हुआ 1997 में, और 1995 में क्या बना, 94 में क्या बना, UNFCCC, इसी के तहत सारे कॉप्स को बनाते चले गए। अच्छा, 5 क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा सारे लोग, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग आंसर देंगे। वियना कन्वेंशन कब हुआ, अब वियना कन्वेंशन में क्या बताया गया, इससे कोई मतलब, केवल डेट बताना है, वियना कन्वेंशन कब हुआ। कार्टाजोना प्रोटोकॉल कब हुआ, 25 सूत्री घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, किस प्रोटोकॉल के तहत 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया गया, किस प्रोटोकॉल के तहत, ठीक, इसमें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, वो अलग हम पढ़ेंगे, उसका डिटेल पढ़ेंगे। सतत विकास का संबंध किससे है, सतत विकास का संबंध किससे है, भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे है, भूरेलाल कमेटी का केवल संबंध पूछ रहा है, मतलब किस टाइप के पोल्यूशन से, प्रदूषण से, या किस चीज़ में वो बैन किया गया, क्या वो बताना है, और सतत विकास का संबंध किससे है वो बताना है, ठीक। तो ये हमारा एक 5-6 मिनट का जो वीडियो है, उसमें पूरा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए, कि 1972 में सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, 20 साल बाद 1992 में क्या होता है, क्या होता है, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे ना अपने अपने बर्थडे के बारे में। 1992 में अर्थ समिट होता है, अर्थ समिट को कहा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसी के इंक्लूडिंग 2-3 चीज़ों को बताया गया, इसमें 2 आंसर है जो इसमें छिपे हुए हैं, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक। उसके बाद 1992 बाद 2 साल बाद 1994 में UNFCCC बनता है, और वो क्या गठित करता है, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेकेंड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड। कॉप फर्स्ट होता है 1995 में, सेकेंड होता है 96 में, दोनों जर्मनी में होते हैं, बर्लिन में होते हैं। 1997 में होता है कॉप थर्ड, जिसे कहा जाता है क्यूटो प्रोटोकॉल, क्यूटो शहर में होता है, क्यूटो शहर जापान में है। 1997 में होता है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक बाध्यकारी नियम है, इसमें भी ओजोन परत को बचाने के लिए बात की गई। तो ये दोस्तों, स्टूडेंट सारे लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, नोट कीजिए, और यहाँ कॉपी में नोट्स नहीं करना है, कॉपी को
इतना नोट्स करें तो कॉपी तो टैलेंटेड हो जाती है, आप वैसे के वैसे रहते हो। यहाँ नोट कीजिए, कुछ नहीं करना, जितने चीज़ें हैं वीडियो को फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, बार बार सुनिए, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। ठीक, तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लाइक होगा, बहुत ही अच्छे कमेंट, अच्छा ना करो चल जाएगा, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, 5 मिनट वाली वीडियो, ऐसा जो हर एक शब्द एक क्वेश्चन हो, UPSC निकालना है। ओके, बाय।